भारत एक के बाद एक उन सभी देशों से रिश्ते और मजबूत करते जा रहा है जो चीन की जड़ें हिलाकर रख सकते हैं। दूसरी तरफ भारत कूटनीतिक और व्यापार स्तर पर भी चीन को झटका देने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ टेलीफोन पर बात भी की है। दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के बीच विभिन्न मुद्दों पर लंबे समय तक फोन पर बातचीत चली है। वार्ता के दौरान मुख्य तौर पर इंडो आरओ के स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कोविड संकट के बाद आगे बढ़ाने और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने पर सहमति बनी है। और इसी के साथ साथ वैश्विक प्रगति, इंटरनेशनल वैल्यू चेन्स में चल रहे डाइवर्सिफिकेशन, वैश्विक विकास, डेवलपमेंट ओरिएंटेड और नियमों पर आधारित वैश्विक व्यापार और इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका के विषय में भी बात हुई। वार्ता के दौरान दोनों नेता इस बात पर सहमत दिखे कि भविष्य में दोनों देश कई मुद्दों पर संपर्क में बने रहेंगे और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और तेज करेंगे। और यहां हम आपको बता दें कि साउथ कोरिया भी उन देशों में है जो चीन को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और चीन का नॉर्थ कोरिया को समर्थन देना साउथ कोरिया बिल्कुल भी हजम नहीं कर पाता है। ऐसे में साउथ कोरिया अब भारत की ओर अपनी बाहें फैलाता जा रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत की लुक ईस्ट नीति को नया आयाम देते हुए इसे एक्ट ईस्ट कर दिया गया। वर्ष 2015 से इस नीति पर फोकस करने के बाद से दक्षिण कोरिया संग भारत की दोस्ती काफी मजबूत हुई है। दोनों देशों के एक दूसरे का रणनीतिक साझेदार बनने के बाद से द्विपक्षीय व्यापार और बढ़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015-2016 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब डॉलर था, जो 2017 में बढ़कर 20 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया। और यहाँ पर भारत और दक्षिण कोरिया ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य भी रखा है। और भारत से मजबूत रिश्ते होने के बाद से 2015 के बाद से भारत में दक्षिण कोरिया निवेश की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है। टेक्नोलॉजी, रसायन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र आदि उद्योग में दक्षिण कोरिया की नामी कंपनियां भारत में 3.5 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश कर चुकी हैं। अब ये साफ संकेत है कि अब भारत को रोक पाना चीन के बस में भी नहीं है, क्योंकि जो देश भारत को ताकत दे रहे हैं अब वही देश चीन की आर्थिक स्थिति को शून्य तक पहुंचाने के काम पर लग चुके हैं।